आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्तिक मास का 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलाएं और तीन तीन अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षियाय और दम्बुराय, दध्राय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरास्ता, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देवस्थान आदि में दीप जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करें। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्ष उल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा, करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ।